नमस्कार, कैसे हैं आप? आखिरकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया और मध्य प्रदेश को मोदी ने चुन करके मोहन दिया है। मोहन कहां से उठा करके दिया, ये सबके सब चौंक गए। लेकिन सिर्फ मोहन नहीं, छत्तीसगढ़ को विष्णु समर्पित करने और राजस्थान को भजनमय होने के लिए भी मोदी ने चौंकाया है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने जो मध्य प्रदेश का शपथ ग्रहण समारोह तैयार किया, उसकी जो स्क्रिप्टिंग लिखी वो चौंकाने वाला है और उसी में बहुत 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 बड़ा संदेश है। उसी में ये संदेश है कि मोदी ने भाजपा के लिए भावी रणनीति क्या तैयार की है। आपने मंच पर देखा होगा, उस मंच पर जहां शपथ ग्रहण हो रहा था, वो जो फ्रेम में मंच था, उस मंच पर सिर्फ मुख्यमंत्री जो बनने वाले, जो शपथ लेने वाले थे, सिर्फ वही दिखाई दे रहे थे। शपथ लेने वाले मोहन दिखाई दे रहे थे, चिप और राज्यपाल की सेंटर में राज्यपाल की कुर्सी थी, दाहिने तरफ स्वयं प्रधानमंत्री थे। यदि आप हायरार्की देखें तो आप इसमें, आपको साफ समझ में आएगा कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी का जो पद है वो राज्यपाल से बड़ा है, लेकिन राज्यपाल सेंटर में बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी के बगल में सिर्फ चीफ मिनिस्टर है। इसे कहते हैं लकीर बड़ी कर देना। और तब आपको समझ में आएगा कि लकीर कैसे बड़ी की जाती है। और जो लोग ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में ये डिसीजन फेल हो जाएगा, जो ये कह रहे थे छत्तीसगढ़ में डिसीजन फेल हो जाएगा, उन सबको ये लग रहा था कि वसुंधरा राजे को कैसे इग्नोर किया सकता है, वसुंधरा राजे कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बना लेगी और उसके बाद बीजेपी की ऐसी की तैसी हो जाएगी। इस प्रकरण में जरा समझिएगा, सेंटर में सिर्फ मोहन दिखाई दे रहे हैं, सेंटर में सिर्फ नरेंद्र मोदी के मोहन दिखाई दे रहे हैं और सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह में, और बाकी लोग, क्योंकि बीजेपी के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया था, उस आमंत्रण में शिवराज सिंह चौहान भी थे और शिवराज सिंह चौहान एक सामान्य गेस्ट की तरह, जो गेस्ट के लिए अलग से एक मंच था उस पे अलग से शिवराज सिंह चौहान बैठे हुए थे। और यह माना जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान भी थोड़ा सा अपना, अपने आप को दिखाने, किसी ये सामान्य मानवीय भाव है, लेकिन शिवराज ने वसुंधरा वाली अकड़ नहीं दिखाई थी। फर्क दोनों में यह था। सहजता से रमन सिंह ने स्वीकार कर लिया कि वो स्पीकर हो गए हैं, वो बूढ़े हो गए हैं, अब उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। लेकिन लेकिन शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो जो है आपको याद होगा तो वो वायरल हुआ था, जिसमें शिवराज सिंह चौहान दिखाई दे रहे थे और शिवराज सिंह चौहान ने एक इस पूरे प्रक्रिया में दिखाई दिया कि शिवराज बड़े सहजता के साथ कुछ अपनी लाडली बहनाओं के साथ दिखाई दे रहे थे। जरा एक एक पॉइंट को समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूं। शिवराज का एक वीडियो वायरल हुआ था और वो कल से वायरल हो रहा था। उस वीडियो ने दिखाया कि शिवराज के प्रति जनता का प्रेम क्या है, लेकिन शिवराज ने जो ये वीडियो दिखाया, इस वीडियो से भी एक स्ट्रेटजी तय की जाती है। अब देखिए, शिवराज सिंह चौहान जा रहे हैं, कुछ महिलाएं रो रही हैं और ये तस्वीर कल से वायरल हो रहा है कि शिवराज सिंह क्या है, महिलाएं कह रही हैं कि मैंने आपको चुना है, मुझे आप ही चीफ मिनिस्टर के रूप में चाहिए, आपके अलावा कोई नहीं चाहिए। निश्चित रूप से शिवराज की लाडली बहना योजना काम आई थी, लेकिन शिवराज की लाडली बहना योजना अंतिम समय में काम आई। शिवराज के नाम पर वोट नहीं मांगा गया था। किसी भी सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने शिवराज का महिमा मंडन नहीं किया, जैसे योगी आदित्यनाथ का करते हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी जिस भी सभा में जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो कहते हैं यूपी के यशस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री। ऐसी बात वो कभी शिवराज के लिए नहीं कहा उन्होंने, ऐसी बात वो अपनी कभी मित्र अभी खट्टर के लिए उन्होंने कभी नहीं कहा, ऐसी बात उन्होंने कभी रमन सिंह के लिए नहीं कहा, ऐसी बात उन्होंने अपने किसी भी मुख्यमंत्री के लिए नहीं कहा, जो बात वो अक्सर योगी आदित्यनाथ के लिए कहते हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री। अब जरा देखिएगा इसके बावजूद क्या खेल हो रहा है। इसके बावजूद खेल ये हो रहा है कि अब जो जितने खैराती हैं वो नैरेटिव्स अलग तय कर रहे हैं। खैरातियों के नैरेटिव्स जब फेल हो गए तो खैरातियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि मोदी की एक ही भूल है। अब मैं देख रहा हूं शरारती खैराती, जो जिनको मैंने कांग्रेस दफ्तर में, कांग्रेस में रिपोर्टिंग करते हुए देखा है,
कि गिरगिराते नौकरी बच जाएगी ना माए बाप। रणदीप सुरजेवाला के सामने जिसको मैंने गिरगिराते देखा, माए बाप 2019 में सरकार बनेगी ना माए बाप। ऐसे ऐसे खलिहर खैराती उनके ट्विटर हैंडल, कांग्रेस कोटे से पलने वाले ऐसे ऐसे खैरातियों के मैंने कुछ ट्वीट्स देखे हैं, और वो ट्वीट्स आपको जब समझ में आएगा तब समझ में आएगा कि खलिहर क्या क्या कह रहे हैं। अब उस खलिहर का नाम मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसे ऐसे ये लोग ट्विटर पे बहुत ज्यादा अपने ट्वीट्स के कारण जो है वो खेल है। अब ये खलिहर लिखते हैं, मोदी में भी बीजेपी में पिछले 9.5 साल में एक ही गलती हुई है। क्या गलती हुई है मोदी के? अब खैराती भी मान रहे हैं कि एक ही गलती हुई है भाई, पता 9 साल में मोदी से एक ही गलती हुई है। ये कांग्रेस के खैरात पर पलने वाले लोग बता रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं? कौन मोदी की एक ही गलती हुई है कि मोदी ने योगी आदित्यनाथ को चुना है, ये खैराती कह रहे हैं। तब आपको मैं क्यों कहता हूं कि मेरा विश्लेषण सिर्फ नैरेटिव्स को समझने के लिए। अब जो खैराती पिछले 10 साल में मोदी की एक भी अच्छाई नहीं बता रहे हैं कि 9 साल में मोदी ने कोई अच्छा भी काम किया है, जो खलिहर ये भी नहीं बता रहे हैं, वो ट्वीट करके कह रहे हैं कि मोदी से एक ही गलती हुई है। इसका मतलब मोदी ने सब अच्छा काम किया है। वो गलती मोदी की क्या बताते हैं? वो मोदी की गलती बताते हैं कि मोदी ने योगी को चुन लिया और योगी मोदी की बात नहीं मानते। ये नैरेटिव चलाया जा रहा है, और यही नैरेटिव चलाया जाता रहा कि मोदी योगी को पसंद नहीं करते हैं, ये द्वंद कराने के लिए। जबकि मोदी हर मंच से यदि किसी एक आदमी चीफ मिनिस्टर की दिल खोल के तारीफ करते हैं तो योगी है। दरअसल मोदी चाहते हैं कि बीजेपी कोटे का हर चीफ मिनिस्टर योगी जैसा हो, योगी जैसा तपस्वी, योगी जैसा यशस्वी। लेकिन षड्यंत्र क्या हो रहा है कि योगी को मोदी पसंद नहीं करते। लेकिन जब आप देखते होंगे तो तारीफ तो मोदी की सब करते हैं, लेकिन जिस भाव से योगी आदित्यनाथ करते हैं कि डबल इंजन की सरकार, योगी जी की नीति, ये तमाम चीजें आपको दिखाई देगा कि अमित शाह के बाद यदि सबसे ज्यादा योगी मोदी में यदि कोई व्यक्ति रहता है तो योगी आदित्यनाथ रहते हैं। लेकिन षड्यंत्र क्या है? तब आपको मैं चीज दिखाता हूं कि क्यों चीफ मिनिस्टर तय कर रहे। तो खैरातियों की बात मैंने कही, अखलियर खैराती और खैरातियों की बात। जो मोदी को, जो भाजपा कोटे के जो संपादक बड़े बड़े हो चुके हैं, जो अदालत लगा लगा करके अपने आप को बहुत तोपची समझते, सब फेल हो गए। अब इन लोगों के द्वारा इनकी इनके यदि खेल को यदि आप समझेंगे तो ये सब भी अलग ढंग से ये परसेप्शन नैरेटिव क्रिएट करते हैं। दरअसल 10-10 नैरेटिव किया क्रिएट किए गए थे राजस्थान के लिए कि राजस्थान में ये वसुंधरा तो छोड़ेगी नहीं, वसुंधरा ही बनेगी, नहीं तो बालकनाथ बनेंगे, पता नहीं किसके किसके लिए बनाया गया, अश्विनी वैष्णव के लिए, और लोग तुक्का मारते रहे। इन सब का जवाब संसद के अंदर प्रधानमंत्री ने दिया था। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कुछ होना नहीं है जी, ये कुछ भी नहीं होना है ऐसा कुछ। अब ये कैसे, ये बात उन्होंने 2019 में जब दोबारा चुन करके आए थे तो उसी समय ने कह दिया था, लेकिन इसके बाद भी ये खेल लगातार चलता रहा, ये खेल लगातार जारी रहा। तब आपको समझ में आएगा कि दरअसल ये चीजें क्या है, ये खेल क्या है, ये खेल बहुत गंभीर है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो एजेंडा चलाया और जिस चीज को कोई समझ नहीं पाया, भांप नहीं पाया, तब जब उन्होंने मोहन यादव को चीफ मिनिस्टर बनाया तो लोग चौंक गए, हर जगह चौंके, विष्णु साय के रूप में भी चौंके। तो क्या सिर्फ चौंकाने के लिए प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर बनाते कि मीडिया वालों को चौंका दिया जाए, या एजेंडा कुछ बड़ा है? तब आप देखिएगा कि जो मंच, जिस मंच पे प्रधानमंत्री शपथ ग्रह का मंच था, उसमें प्रधानमंत्री के बैठने की भी जरूरत नहीं थी, भाजपा का अध्यक्ष बैठ जाता, उसके भी बैठने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ राज्यपाल बैठते और जिस मंत्री को शपथ लेना उसे बैठते, लेकिन प्रधानमंत्री बैठे हुए थे। कायदे से पद के हिसाब से प्रधानमंत्री सेंटर में बैठते, लेकिन प्रधानमंत्री दाहिने तरफ बैठे हुए थे, और हर किसी का शपथ ग्रहण हुआ। शपथ ग्रहण में आमतौर पर क्या होता था, एक बाएं तरफ की एक टेबल होती थी जिसपे राज्यपाल बैठते थे, एक तरफ की टेबल होती थी जिसपे सिग्नेचर करने के लिए वो चीफ मिनिस्टर या मंत्री बैठता था। लेकिन इस अब की बार क्या हुआ है, राज्यपाल उठ करके शपथ ग्रहण के लिए जाते थे और फिर बैठ करके आ जाते थे और बैठ करके सिग्नेचर करते थे जिस मंत्री के को उन्होंने शपथ दिलाया है। मंच पर सिर्फ मोहन यादव है। मोहन यादव की तस्वीरें यदि आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, ऐसी ऐसी तस्वीरें जिससे लगता है कि कहां से उठा करके मोहन यादव को लाया गया है। एक एक चीज को जरा समझिएगा। और फिर इस मोहन यादव के कुछ वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, मैं उसे दिखाऊंगा नहीं, लेकिन उस देखिए, ये मोहन यादव हैं, किस गरीबी से कहां से उठ करके मोहन यादव आए हैं। आज निश्चित रूप से इनके पास पैसे हैं, ऐसी गरीबी इनकी नहीं है, लालू यादव की भी नहीं रही है, लेकिन मैं लालू यादव से तुलना नहीं कर रहा हूं।
ये कट्टर जनसंघी आरएसएस वाले हैं और कहां से उठ करके आए हैं जरा सा इस तस्वीर से समझिएगा। इसीलिए इस भाव को वो समझेंगे कि ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। मतलब गरीबी का स्तर देखिए कि मोहन यादव कहां से आरएसएस के संगठन में कोई कहां से उठ करके आता है, ये जरा इस बात को आप और हम समझ सकते हैं इस बात को कि मोहन यादव कहां से आए हैं। और फिर मैं बार बार कहता हूं कि मोदी ने इसी मोहन को क्यों चुना है। इनके कुछ वीडियोज वायरल दिख रहे होंगे, सनातन भारत के लिए उसके मायने हैं। और मैं जब वेरी फर्स्ट डे से कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ी बहुत मोदी की फेल्योर में से है कि सनातनियों को, हिंदुओं को जो जातियों में बांटा गया है, सबसे पहले उसे जाति से के बंधन से मुक्त किया जाए। आप शादी विवाह के लिए अपनी जाति तय कीजिए, ठीक है, आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं अपनी जाति में कीजिए, बेटे की शादी अपनी जाति में कीजिए, लेकिन सनातन भारत एकजुट क्यों हो, इसलिए नहीं कि किसी दूसरे मतालंबी के लिए आप वो भाव हो, लेकिन भारत की संस्कृति तभी जीवित रह सकती है जब सनातन संस्कृति का बल चलेगा। और जो तुष्टिकरण के कारण पूरे भारत को जो तबाह किया गया सालों से, आप कल्पना कीजिए कि भारत में राम का नाम लेना अपराध था और रामद्रोही जो है वो मौज ले रहे थे। और आज की तारीख में मैं बार बार कहता हूं कि एक बड़े षड्यंत्र के तरह जिस तरह से जोगिंदर नाथ मंडल पैदा किया गया, जिन्ना ने जिस तरह से जोगिंदर नाथ मंडल तैयार किया, जोगिंदर नाथ मंडल के कारण बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज बांग्लादेश है, कल पाकिस्तान था, जोगिंदर नाथ मंडल के षड्यंत्र के कारण बहुत सारे दलित जो है पाकिस्तान में रह गए। और षड्यंत्र ये था कि उन दलितों को इसलिए रखना था ताकि उन लोगों के मल वो साफ करें, ये गंदगी साफ करें। और यही परंपरा कश्मीर में कायम रही, शेख अब्दुल्ला ने दलितों को इसीलिए वहां रखा कि सरकारी नौकरी में चतुर्थ ग्रेड में, सिर्फ चतुर्थ ग्रेड में दलितों को नौकरी मिल सकता है, और ये एजेंडा रहा। ये पूरी तरह से एक षड्यंत्र था भारत की बर्बादी का। और मुझे मेरा लगना है कि MY समीकरण उसी षड्यंत्र का हिस्सा है, सनातन का। मैं बार बार कहता हूं, कई लोग कहते हैं रिपीट करते हैं, ये बार बार मैं कहता हूं कि सनातन में एक जाति है जो सबसे स्ट्रांग है, जो सनातन के लिए समर्पित है, वो यादव समुदाय है। यादवों ने हमेशा सनातन की रक्षा की है। लेकिन मैं जब महसूस करता हूं कि मेरे कई ऐसे साथी हैं जिनको मैं जितना जहरीला पोस्ट डालते हुए देखता हूं, हिंदुत्व के खिलाफ, मंदिर के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ, तो लगता है कि कैसे ये तो बड़े बड़े जिहादी भी ऐसा नहीं लिखते, बड़े बड़े कश्मीर पाकिस्तान के आतंकी भी हिंदुओं के लिए इतनी नफरत नहीं रखते जितना मैं अपने कुछ ऐसे साथियों को देखता हूं जो MY समीकरण के तहत शिकार है। वही लालू यादव मंदिरों में जाकर सिर मुड़ाकर अपने बच्चों के साथ, उन्हीं पंडितों के साथ मंत्रोच्चार करते हैं, और उसी जाति के लोग MY समीकरण के में सट करके एक आप मोदी विरोध में देश विरोधी, सनातन विरोधी हो गए। इसीलिए मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एजेंडा है। हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है मोदी का एजेंडा ये फेल हो जाए जैसे उत्तराखंड में फेल हो गया, लेकिन ये एजेंडा बहुत दूरगामी है सनातन भारत को जोड़ने का। और फिर मैं कह रहा हूं, इस आदमी को यहां से उठा करके किस मंच पे मोदी ने बैठाया है, जरा उस बात को समझिएगा। यहां से उठाकर उस मंच पे, और उस मंच पे मोदी के साथ अकेले क्यों है मोहन यादव? कोई शिवराज सिंह चौहान नहीं, कोई दूसरा नेता नहीं, कोई बड़ा नेता नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोहन यादव। यह दिखाता है कि किस तरह से मोहन को वो बड़ा कर रहे हैं। और मैं बार बार एक और चीज का चर्चा अक्सर करता हूं, एक समय रामनाथ कोविंद जी को मैं किस तरह से अपने टीवी चैनल में अपनी गाड़ी में लेकर के गया था। रामनाथ कोविंद उस समय बीजेपी के एक सामान्य कार्यकर्ता थे, दिल्ली में उनकी वो नए नए आए भी थे और कुछ छोटे चैनलों को वो इंटरव्यू दिया करते थे। मेरे ऊपर प्रेशर था कि कोई प्रवक्ता लाना है, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया रामनाथ कोविंद जी को। कुछ दिनों बाद, एक डेढ़ साल बाद, मैंने पाया कि रामनाथ कोविंद को राज्यपाल बना दिया गया बिहार का। लोग कहते हैं कैसा, क्या? दरअसल इस देश के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा था दलितों को एकदम से आक्रोशित करने का, दलितों के अंदर विद्रोह करने का, और एक तरह से रामनाथ कोविंद जी का प्रेम बरा किया गया और उसके बाद उन्हें राष्ट्रपति बना दिया गया। अब आप कह सकते हैं कि दलित चेहरा तो और भी थे, और किसी को भी बनाया जा सकता था, लेकिन इसमें मोदी कहीं कहीं ना कहीं करंट देखते हैं कि कौन ऐसा हो सकता है। और तब आप देखेंगे कि मोहन यादव का कद क्यों वैसे किया गया। मोहन यादव फिर अपने कर्मों से इस कद को और बड़ा कर लेंगे। मोहन यादव के पूरे यदि आप वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा राष्ट्र के प्रति, सनातन के प्रति उनका समर्पण क्या है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इस पार्टी में
अब एकाएक किसी शिवराज को ऐसा नहीं लगने लगे, किसी वसुंधरा को लगने लगे कि हम बहुत बड़े हैं, तो लोग गिद्ध की तरह इन्हें खा नहीं जाएं। अब यदि चूंकि मोहन यादव शिवराज सिंह की सरकार में मंत्री रहे, कोई गिद्ध की तरह कोई खा ना जाए, इस एक फ्रेम से, एकमात्र फ्रेम से बहुत बड़ा मैसेज जो है प्रधानमंत्री ने दे दिया है कि ये फ्रेम का मतलब ये है, इस फ्रेम का मतलब ये है कि अब आपको समझना है कि मोहन यादव के मायने क्या है। इस एक फ्रेम ने बहुत कुछ बता दिया है, इस एक फ्रेम में बहुत सारा संदेश है, और वो फ्रेम ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मोहन यादव का होना, और यही फ्रेम ये संकेत दे रहा है कि बीजेपी में अब बहुत कुछ बदल रहा है। इसी ढंग का फ्रेम राजस्थान में आपको दिखाई देगा कि वसुंधरा राजे अपने आप को महारानी नहीं समझे, यदि वसुंधरा महारानी बनकर के रहेंगी तो कोई भजन काम नहीं आ पाएगा। इसीलिए हर किसी को पार्टी के हित में, देश के हित में काम करना पड़ेगा, और इसीलिए एक फ्रेम जो कह रहा हूं मैं कि मोहन यादव के साथ मंच पे और किसी का नहीं होना, मोदी के अलावा और किसी का नहीं होना, ये बहुत बड़ा संदेश है। ये नकीर बड़ी हो गई है, 20 साल बाद भाजपा अपना कमान नए पीढ़ी के राजनीति में, 60 साल तक के लोग जो है युवा ही माने जाते हैं। इन तीनों ऐसे लोगों को चयन किया गया है जो मेरे ख्याल से तीनों 60 साल से कम के, और एक बहुत बड़ा मैसेजिंग है। इसका मतलब ये नहीं किसी का अपमान करना है। शिवराज सिंह ने फिर बयान दिया उसके बाद कि पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, 18 साल मुझे देश का एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री का के रूप में रहने को मिला, अब मेरा वक्त है पार्टी को देना। दरअसल ये घुट्टी संघ पिलाती है, इसको संघ जो है कि घुट्टी है, और यही वजह है कि बाहर बैठ करके लोग सोचते हैं कोई शिवराज विद्रोह कर देगा, कोई वसुंधरा राजे विद्रोह कर देगी, कोई रमन सिंह विद्रोह कर देंगे, ये सब एकजुट होकर के कोई पार्टी बना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए क्योंकि इनमें से किसी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया था, मोदी ने कहा था कि मोदी की गारंटी है, हर मंच से उन्होंने मोदी की गारंटी ली। एक जगह है जो कर्नाटक में अपना कद एक व्यक्ति बहुत बड़ा किए हुए रहा, उसको उसका कुछ अभी तक नहीं किया जा सका, और उस जब बड़ा कद होता है तो केंद्र की योजनाएं नहीं जा पाती। अब जरा इस प्रेम इस चीज को भी समझिएगा, ये क्यों ऐसा हो पा रहा है, क्योंकि जब किसी एक का कद इतना बड़ा हो जाए सिस्टम से, तो फिर केंद्र की योजनाएं वहां तक पहुंचना सहजता से नहीं हो पाता जितनी आसानी से। उत्तर प्रदेश का विकास क्यों हो पाया, इसलिए नहीं कि सिर्फ योगी कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि योगी केंद्र की योजनाओं का अमल कर पा रहे हैं, वो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की तरह लड़ करके तबाह नहीं कर रहे हैं। उड़ीसा में भी सरकार जो है बीजेपी की नहीं है, लेकिन उड़ीसा में चीजें ठीक हो रही है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी से लड़ने में ऊर्जा अपनी खर्च नहीं कर रहे हैं, उनकी अपनी विचारधारा है, अपना काम कर रहे हैं। अब आप देखिएगा कि पूरी तरह से इस मध्य प्रदेश में क्या होगा। इस मध्य प्रदेश को हांफते हांफते बीजेपी जीत रही थी, 2018 में दबा दिया था, किस वजह से, जब 5 साल शिवराज सिंह चौहान बहुत बढ़िया चला रहे थे तो 2018 में क्यों हार गए। और सवाल यह है कि जब शिवराज नहीं थे, कमलनाथ थे, तो पूरे मध्य प्रदेश में मात्र एक सीट नकुलनाथ ही तो जीत पाए थे इतने बड़े मध्य प्रदेश में। पूरे राजस्थान में जब कांग्रेस की बीजेपी की सरकार नहीं थी तो किसके नाम पे जीता गया, इसीलिए किसी को यह भ्रम नहीं हो। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश से एक बहुत बहुत बड़ा मैसेज आया है। ये मैसेज जो मोहन है और जो लोग, ये नहीं सिंपली ये मामला नहीं है कि मध्य बिहार में तेजस्वी यादव या लाल उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के उस ऑरा को खत्म करना है, एक बहुत बड़ी बड़ा शातिराना चाल है। इस देश का हर आदमी भारत का नागरिक है, इस देश का हर आदमी सनातनी है, और उसे राम के प्रति अपनी आस्था रखना पड़ेगा। उसकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए, अपने हर उस साथी का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन वो शर्त राम द्रोह पर नहीं होना चाहिए। तो मोदी विरोध में राम द्रोह, भारत द्रोह तक आए हुए लोगों को मोहन और विष्णु भजन करके कैसे जोड़ेंगे आने वाले समय में, देखते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मुझे लगता है कि इसके परसेप्शन के खेल को आप समझ पा रहे होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आने वाले समय के लिए ये जो पूरे षड्यंत्र को तोड़ने का है। और टेलीविजन चैनलों पे अब आपको पत्रकार जो विशेषज्ञ के रूप में बैठते होंगे, आपको जोकर लगते होते होंगे, इसीलिए उन जोकरों के समूह में बैठना भी मुझे नहीं लगता कि वो बैठ करके ज्ञान देंगे,
और प्रधानमंत्री ने इसी का जवाब दे दिया है। यही नैरेटिव है, एक नैरेटिव तैयार किया जाता रहा सालों से, पीएम उसी नैरेटिव को तोड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।